Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The 11th lecture of our course Digital Electronics is Memory Devices. In this we will study the memory devices. For this lecture, I will record the lecture in Urdu language so it will be more clear to you. English mein hamare paas jagah jagah paragraph aur explanations likhi hui hain. Uska koi fayda nahi hai. Ek theory ki cheez ko English mein explain main karti hu. So हम इसे उर्दू में डिस्कस करेंगे. अगर कोई भी कंफ्यूजन आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब मेमोरी डिवाइसेस हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास स्टोरेज. स्टोरेज क्या है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर की जा सके, ठीक है ना. सिंपल सा लफ्ज है स्टोरेज. अब स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं, इसमें हमारे पास डिवीजन आएगी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है. प्राइमरी होगी रैम और रोम और सेकेंडरी हमारे पास होंगी कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस. अब पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे. इधर हमारे पास इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जी हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये परमानेंट होती है. अगर आप इसको सुनने के साथ साथ अपने पास लिखते जाएंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा. सेकेंडरी हमारे पास परमानेंट होती है. उसके बाद क्या चीज है हमारे पास मेमोरी, ठीक है. सिंपल कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशंस आएंगी. एक होती है हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी. ये क्या है ये आगे जाके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी. अभी मैं जस्ट ऊपर से टॉपिक बता रही हूँ, फिर हम इसे अच्छी तरह इन डिटेल डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है मेन मेमोरी. ये क्या है हमारे पास, इसमें दिस इज वन दिस इज टू. मेन मेमोरी दिस थिंग रैम रोम. रैम में हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम. रैम रोम की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो होगी उसमें रैम रोम की सारी बात हो जाएगी. द थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. ये तीन तरह की मेमोरीज हैं हमारे पास. अब हम इधर एक छोटा सा पॉइंट रोम का देखेंगे कि वो क्या कर रहा है. कुछ चीज़ें अंदर इसलिए बताऊंगी रैम रोम की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, वैसे उसके लिए अलग से वीडियो होगी. विंडो को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करती है रोम. फिर क्या होता है कि रैम से मेन प्रोसेसर इसे प्रोसेस करता है. मैं अगेन इसको रिपीट करती हूँ कि विंडो को, मैं इसे लिख दूँ, विंडो को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करती है रोम, ठीक है. विंडो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी है और हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो रही है. और कौन लोड कर रहा है, रोम लोड कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज फर्मवेयर. फर्मवेयर क्या होता है, ये हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं फर्मवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब हमारी मेन कहानी स्टार्ट होती है मेमोरी की, मेमोरी डिवाइसेस की. इसको गौर से सुने, जहां से कंफ्यूजन हो वीडियो को रिपीट करके सुने, नहीं समझ आता तो कमेंट कर दें. प्रोसेसर, ठीक है. प्रोसेसर हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है. प्रोसेसर करता क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है. अब इसके अंदर जो मेन कहानी है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ कहाँ से रहे हैं. प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के पास आए कहाँ से, सॉफ्टवेयर से. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा प्रोसेसर को और प्रोसेसर इसे प्रोसेस करेगा. क्या हो रहा है अभी इधर, कि सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा है प्रोसेसर के साथ. कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसे दे रहा है.
सॉफ्टवेयर को हम एक और क्या लफ्ज इसके लिए यूज कर सकते हैं? दैट कैन बी, वी कैन यूज द वर्ड विंडो, वी कैन यूज द वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब हमारे पास रोम क्या कर रहा है? ये जो ऊपर बात बताई मैंने, रोम हमारे पास लोड कर रहा है सिस्टम को, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, फर्मवेयर का यूज करते हुए रैम में. कहां से? फ्रॉम हार्ड डिस्क. फ्रॉम हार्ड डिस्क. मैं इस बात को दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि क्लियर हो. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हुए सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है रोम में, सॉरी रैम में, फ्रॉम हार्ड डिस्क. इंग्लिश का जुमला बोलती हूँ. रोम इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम बाई यूजिंग फर्मवेयर इन रैम फ्रॉम हार्ड डिस्क. क्लियर है अब ये पॉइंट? इसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग. रोम इज लोडिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर का लोड कर रहा है, दिस इज बूटस्ट्रैपिंग. ये क्यों हो रहा है? अब टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर, इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. सो हमारे पास एक फास्ट मेमोरी रैम यूज हो रही है प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन. रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी है. ये हमारे पास, इसकी बात करते हैं थोड़ी सी. ये टेम्पररी मेमोरी है और ये क्या करती है? गिव और टेक डेटा टू और फ्रॉम प्रोसेसर. This is the relation. Temporary memory gives or take data from or to processor. अब हमारे पास आगे क्या बात आती है कि जो RAM है हमारे पास, जो कि हम use कर रहे थे, वो slow साबित हुई जब हमारे पास new processors आए. So for the fast communication we use cache memory. अभी कहाँ पे यूज हो रही है? बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर. ठीक है, रैम और प्रोसेसर के दरमियान में एक और चीज इंक्लूड हुई, दैट इज कैशी मेमोरी. अब प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, अब वो अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेगा कैशी मेमोरी से. ठीक है, ये दरमियान में यूज हो रही है, किसके? रैम और प्रोसेसर के दरमियान में आ गई. कैशी मेमोरी क्या है? फास्ट है रैम से, लेकिन इसकी जो स्पेस है वो लेस है स्टोरेज स्पेस रैम से. फास्ट है रैम से बट स्टोरेज स्पेस कम है. अब हमारे पास क्या हुआ कि जब मजीद टेक्नोलॉजी आई तो हमारे पास कैशी मेमोरी भी स्लो साबित हुई. कैशी मेमोरी, हमारे पास रैम स्लो हुई थी तो हमने कैशी मेमोरी लाए थे. अब कैशी मेमोरी स्लो होगी तो एक न्यू चीज इंक्लूड हो रही है, रजिस्टर्स. ये बात याद रखी जाए कि हमारे पास रजिस्टर्स भी टेम्पररी मेमोरी है. अब हम रजिस्टर्स को इन बिटवीन यूज करेंगे कैशी मेमोरी के और प्रोसेसर की. कैशी मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान में एक न्यू चीज आ गई, दैट इज रजिस्टर्स. ये हमारे पास कैशी मेमोरी से फास्ट है लेकिन इनकी स्टोरेज स्पेस कैशी मेमोरी से कम है. अब इसके बाद क्या हुआ? हमारे पास डिस्टेंस जो था ना प्रोसेसर का और रजिस्टर्स का, क्योंकि दरमियान में इतने सारे डिवाइसेस आ रहे थे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो रहा था. अब इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया? कैशी मेमोरी और रजिस्टर्स को एक चीज बना दिया. ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, कैशी मेमोरी और रजिस्टर्स को, और एक चीज बना दिया जिसे हमने कहा कि वो है IPM. ये जो इधर बताया था, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी.
कैशियो रजिस्टर में लाके इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बना दिया और इसकी जगह पे वो लगा दिया। ये है हमारे पास सारी कहानी मेमोरी डिवाइसेस की जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं। जोन सी डिवाइसेस स्टोरेज प्राइमरी सेकेंडरी रैम रोम पेरिफेरल डिवाइसेस मेमोरी में आ गया आईपीएम मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी रैम रोम यूज हो रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास परमानेंट मेमोरी है जो कि हमारे पास हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर्ड होता है जहाँ से हम लोड करते हैं सॉफ्टवेयर को। और आईपीएम क्या है, आईपीएम हमारे पास कैशी मेमोरी और रजिस्टर को मिला के हमने एक डिवाइस बना दी। तो ये हमारे पास तीन मेमोरीज हैं जो उनकी एक्सप्लेनेशन ये सारी है। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।